हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहली बात तो मैं करने क्या वाला हूँ, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से किसी भी एक फॉलोअर को मैं चूज़ करने वाला हूँ जो रेगुलरली मेरी पोस्ट पर कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनके घर पर मैं फ्री डिलीवरी करने वाला हूँ एक स्केच की। सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर, वहाँ से सबसे पहले एक फॉलोअर चूज़ करते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊँगा इसी वीडियो में कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे डिलीवरी करता हूँ, कैसे पैक करता हूँ, एंड उनका जो रिएक्शन होगा ना वो भी एंड में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड एक बात मुझे बतानी है, आप भी फ्री स्केच जीत सकते हो। तो मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है फ्री स्केच गिव अवे वाली, आप उस पर कॉमेंट कर दो एक, एंड वहाँ से मैं चूज़ करूँगा कि नहीं भी तीन लकी विनर्स को, एंड उनके घर पर फ्री डिलीवरी करूँगा स्केच की। तो आप भी जीत सकते हो फ्री में स्केच, जाओ जाके कॉमेंट कर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे फॉलोअर के इंस्टाग्राम पेज पर, एंड यहाँ से हम चूज़ करते हैं अच्छी सी रेफरेंस पिक। तो मैंने वो वाला फॉलोअर चूज़ किया जो मेरी पोस्ट को रेगुलरली लाइक करता है एंड कमेंट करता है। तो जो रेफरेंस पिक थी वो मैं फाइनली मिल चुकी है, एंड अब हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो जो आउटलाइन थी वो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी थी, अब शेडिंग करते हैं। शेडिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं, एंड फिर शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेयर में शेड करूँगा, तो जो शेडिंग है वो मैं चारकोल पाउडर से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हल्की हल्की लेयर लगा लेता हूँ हेयर्स पे, एंड उसके बाद डार्क लेयर करूँगा मैं। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड में करके चला रहा हूँ ताकि जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने एंड बोरिंग ना हो वीडियो। तो सेकेंड लेयर में मैंने चारकोल पाउडर थोड़ा डार्क चलाया ताकि जो हेयर है वो अच्छे से लुक ले पाए। तो मैं हर जो भी पार्ट है जैसे कि चीक हो गया, लिप हो गया या फिर ईयर हो गया, सभी में एक ही प्रोसेस का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एचबी पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर करूँगा, एंड फिर बाद में 4B पेंसिल का यूज़ करके सेकंड लेयर, एंड ब्रश और टिश्यू पेपर का यूज़ करके मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा। तो हर पार्ट में यही प्रोसेस चलने वाला है, एंड आप लोग चारकोल पाउडर का यूज़ करके भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चारकोल पाउडर लेके एचबी पेंसिल का ना यूज़ करके। और एक बात जो मेरे को बतानी है, अगर आप चारकोल पाउडर से वर्क करते हैं किसी भी आर्टवर्क में तो बहुत ही पेशेंस के साथ करना होगा आपको। तो इस आर्टवर्क को बनाने में मुझे लगभग 48 आवर्स लग गए थे इस एक आर्टवर्क को बनाने में, क्योंकि चारकोल पाउडर का मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, एंड काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है जब आप चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप चारकोल पाउडर का यूज़ करते हैं अपने आर्टवर्क को बनाने में तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू पेंसिल, वो एक शाइन करता है अलग से चारकोल पाउडर। तो आप रिस्क ले सकते हो चारकोल पाउडर यूज़ करने के लिए, बट आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फैल ना जाए और आपका आर्ट ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे देखते देखते जो हमारा फेस था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक है बस वो बची है, उसमें मैं चारकोल पाउडर की सबसे पहले फर्स्ट लेयर करूँगा, एंड उसके बाद सेकंड लेयर है वो करूँगा मैं। तो रेफरेंस पिक को मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है साड़ी का वो मैं ड्रॉ कर लूँगा, एंड जो एक एक डिटेलिंग जो जो वाइट पार्ट दे रखा है रेफरेंस पिक में मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करूँगा। और जो डिटेलिंग है उसके लिए मैं मोनो 00 या इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करूँगा। तो जो हमारी ड्रॉइंग है वो फाइनली कम्प्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग का पार्ट बच रहा है, एंड वीडियो को मैंने काफ़ी जगह पर ट्रिम किया है ताकि वो लंबी ना बने। तो जो स्केच था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको पूरा फाइनल जो रिज़ल्ट है ना वो दिखा देता हूँ पिक्स एंड पूरी वीडियो जो है, एक फाइनल रिज़ल्ट जो कैसा निकल गया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ किसी के पास इतना दूर तक जा रहा है तो उन्हें पसंद आना चाहिए, उनके घर पर भी डिलीवर करो और फिर उन्हें पसंद भी ना आए तो बहुत बुरा लगता है। तो एक बार आप भी देखिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्केच कैसा लगा। तो अब जो हमारा स्केच उसको हम पैक करेंगे और फिर सीधा डिलीवर करेंगे। और मैं एक बात बताना भूल गया, डिलीवर करने के बाद मेरी जो जिनका स्केच है उनसे बात हो गई है, वो अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाली है एंड मुझे भेजेंगी, जो कि मैं वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे को बहुत मज़ा आने वाला है, एंड चलो अब स्केच को करते हैं पैक एंड फिर करते हैं डिलीवर। तो यहाँ पे स्केच को पैक करने के लिए मेरे को चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 प्रोटेक्टर सीट जो कि मैंने पहले ही ले ली है। तो जो अब हमारा स्केच उसको हम प्रोटेक्टर सीट में डालेंगे, एंड फिर जो हमारे कार्डबोर्ड है उससे हम ऊपर और नीचे अच्छे से उसको पैक कर देंगे ताकि जो बारिश है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो वो भीगे ना और हमारा कोरियर सेफली पहुँच पाए। एंड फिर चारों तरफ से जो टेपिंग है वो मैं कर दूँगा, एंड फिर उसके बाद जो हमारा एड्रेस है वो भी मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए।
तो फाइनली जो स्केच था वो पूरा पैक हो चुका है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है। बट हाँ, जो स्केचिंग की प्रोसेस थी वो आपको मैंने एकदम शॉर्ट में दिखाई है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि एंड में रिएक्शन भी डालना है। हाँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। एंड ये जाने वाला है वेस्ट बंगाल, तो कल सुबह जाकर मैं इसको डिलीवर करने वाला हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो एक, एंड मुझे कमेंट करके बता दो कैसी लगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जो कोरियर है उसको पोस्ट करने वाला हूँ। एंड कैसे पोस्ट करता हूँ सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। एंड या रिएक्शन तो लास्ट में दिखाएंगे, बट 3-4 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे रिएक्शन आने में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कोरियर को पोस्ट करने। तो यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुका हूँ, अब हमारे स्केच को करते हैं कोरियर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियो में आपको कुछ गलती लगी है या फिर आपको लगता है कि कुछ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।